गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इससे पहले हम चार दूसरे प्रकार में वो कर चुके हैं। आज हमारा पांचवा प्रोनाउन की टाइप है, क्या है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग दो या दो से अधिक, ठीक है, टू और मोर पर्सन और थिंग, व्यक्ति या वस्तुओं में से एक या एक का भी नहीं, उनका बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि वस्तु में एक भी हो सकती है या एक भी नहीं। ठीक है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक, या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनमें से एक का या एक का भी नहीं बोध कराने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे ईच, ईदर, एनीवन, नन या नीदर। ठीक है, ये वो शब्द हैं हमारे जो जिनसे हमें पता लगता है कि वस्तुओं को हम एक के बारे में बोल रहे हैं, प्रत्येक के बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं ग्रुप के अंदर। जैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा है वस्तु हो या व्यक्ति हो, उनमें से प्रत्येक का बोध कराने के लिए, यानी कि एवरी, हर एक का बोध कराने के लिए हम ईच शब्द का प्रयोग करते हैं। ई ए सी एच, ईच। ईच शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज, यानी कि उन दोनों लड़कों में से हर एक बच्चा, दो लड़के हैं और दोनों ही, ईच मीन्स एवरी, बॉयज हैज डन दिस वर्क, यानी कि जो दो लड़के हैं और दोनों में से हर एक लड़के ने, प्रत्येक लड़के ने यह काम कर दिया गया है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अगर हम हर एक की बात कर रहे हैं तो ईच शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ये? आगे करते हैं। यदि दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से, दो वस्तु हो या व्यक्तियों में से हमें सिर्फ एक का ही बोध करवाना है, सिर्फ एक का, कहीं है दो से ज्यादा है और हमें सिर्फ एक के बारे में बताना है, तो हम किस शब्द का यूज करते हैं? ईगर शब्द का प्रयोग करते हैं, ई आई टी एस ई आर। जैसे ईगर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी, कि उन दोनों में से एक लड़का मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ईगर शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु दो से अधिक, यदि हमें दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों के बारे में बताना पड़े और उनमें से सिर्फ एक, दो में से एक का बोध करवाना पड़े, यानी कि जैसे हमने पिछला जो किया था कि हमने दो चीजें ली थी और दो वस्तुएं या व्यक्ति हो सकते हैं, उनमें से एक के बारे में बताना, दो में से एक के बारे में, कम शब्द हम यूज करते हैं उसके लिए ईदर शब्द यूज करते हैं। बट दो से अधिक अगर वस्तुएं हैं, अगर ये वस्तुएं दो से अधिक है, चार है, पांच है, तीन है, दस है, कितनी भी है, उनमें से हमें एक का बोध कराना पड़े, तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम एनी वन शब्द का यूज करते हैं, एनी वन। जैसे एनी वन ऑफ द फाइव बॉयज, ठीक है, हैज डन दिस वर्क, एक पांच लड़कों में से। अब देखो यहां पर बॉयज ज्यादा है, टू नहीं है, टू से ज्यादा है, तो हम किसका यूज करेंगे? एनी वन शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है अगला जो नियम, दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए। दो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, उनमें से एक का भी जिक्र नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? नीदर, एन ई आई टी एच ई आर। जैसे नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प मी, के दो लड़के थे, उनमें से किसी ने भी मेरी सहायता हेल्प नहीं की, तो इस प्रकार हम नीदर शब्द का प्रयोग करते हैं। बट यहां पर दो दो व्यक्तियों के या दो वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मोर देन टू है, यानी दो से ज्यादा है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु में से एक भी नहीं का अगर जिक्र करना है, तब हम किस शब्द का यूज करते हैं? नन, एन ओ एन ए, ठीक है, नीदर की जगह हम नन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे नन ऑफ द फोर बॉयज, यानी कि चार लड़कों में से किसी ने भी नहीं हैज हेल्प मी, मेरी सहायता की, तो यहाँ पर दो से अधिक है, फोर बॉयज है, तब हम उसके लिए एन ओ एन ई नन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये थे आज के हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो कल हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
तब तक के लिए बाय बाय।